नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश वर्मा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज हम जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, UOI ए। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, पहला बी, दूसरा जी, तीसरा ई एंड चौथा एस। तो इसका आंसर हो गया ई, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू, ये चारों पांचों स्वर है, तो ये सिमिलर हो गया इसका। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमरकंटक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा केरल एंड चौथा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो गया है छत्तीसगढ़, अमरकंटक का मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसके चार ऑप्शंस हैं, ए है तमिलनाडु, बी दिल्ली, सी केरल एंड डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो गया दिल्ली, अक्षरधाम का मंदिर दिल्ली में स्थित है। अगला है, तुंगनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी भारत के किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शंस हैं, ए चमोली, बी मंडी, सी चंबा एंड डी शिमला। तो इसका आंसर हो गया चमोली। तो चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में, जो तुंगनाथ मंदिर स्थित है वहाँ पे। अगला है, श्री रघुनाथ स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ए भगवान विष्णु, सॉरी भगवान शिव, बी ए भगवान विष्णु, सी दुर्गा देवी एंड डी देवी लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो गया भगवान विष्णु को समर्पित है श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर। अगला है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शंस हैं, ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वर, सी कोचीन एंड डी मैंगलोर। तो इसका आंसर हो गया रामेश्वर, तमिलनाडु में। अगला है, गढ़कालिका देवी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गढ़कालिका देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शंस हैं, ए नासिक, बी मुंबई, सी इंदौर एंड डी उज्जैन। तो इसका आंसर है उज्जैन, गढ़कालिका देवी का मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अगला है, कदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कदरिया महादेव मंदिर, चार ऑप्शंस हैं, ए उज्जैन, बी खजुराहो, सी मेहर एंड डी देवास। तो इसका आंसर है खजुराहो, कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ किस स्थान पर है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं, ए केदारनाथ, बी बद्रीश्रम, सी हरिद्वार एंड डी ऋषिकेश।
तो इसका आंसर होगा बद्रिकाश्रम, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ स्थित है। अगला है मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार राज्य में मुंडेश्वरी मंदिर है। ए है सीतामढ़ी, बी है कैमूर, सी गया एंड डी भागलपुर। तो इसका आंसर है कैमूर में स्थित है मुंडेश्वरी मंदिर, जो बिहार में स्थित है। अगला है राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो राजा रानी के चार ऑप्शंस हैं, ए वाराणसी, बी मथुरा, सी भुवनेश्वर एंड डी गोरखपुर। तो इसका आंसर हो गया भुवनेश्वर में स्थित है राजा रानी का मंदिर। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो हम आपको एक क्वेश्चन देंगे उसका जवाब आप देना कमेंट करके। तो प्रश्न है शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ किस राज्य में स्थित है, यानी किस स्थान पर स्थित है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं, ए कटक, बी पुरी, सी भुवनेश्वर एंड डी हैदराबाद। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारत के प्रमुख मंदिर और मठों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और